हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं स्टेम सेल के बारे में। तो स्टेम सेल शुरुआत करने से पहले यहां पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। दीज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स को पूछने के लिए या फिर इस मटेरियल को डाउनलोड भी करने के लिए। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेम सेल। और स्टेम सेल स्टार्ट करने से पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। जरा शुरुआत में जब आप देखेंगे तो हमारे पास आती है कि सेल क्या है भाई। तो व्हाट इज अ सेल? तो सेल आप लोग बचपन में बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस बेसिक यूनिट को देखा जाए दिखता कैसे है, तो दिस इज बेसिकली अ सेल। तो बहुत ही छोटा होता है, जिसको मैंने माइक्रोस्कोप से आपको बड़ा दिखाया है। यहां पर अगर देखें तो सेल इज द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। इस छोटे छोटे सेल से मिलके हमारे ऑर्गन्स और ये जो हमारी स्किन वगैरह ये सारी बनी होती है। तो दिस इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइस सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। भाई स्किन देखेंगे तो स्किन अपना अलग काम कर रही होती है, माइंड हमारा देखेंगे अलग काम कर रही होती है, अगर हम देखेंगे हमारी ब्लड वेसल्स वो अलग काम कर रही होती है, लंग्स हमारी अलग काम कर रही है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड अकॉर्डिंगली दे परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शन। तो इस तरीके से हमारी सेल हो जाती है। बाकी इसके आगे आपने पढ़ा होगा कि देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द सेल। तो वो हम लोग बायोलॉजी में कभी और देखेंगे। फिलहाल अगर बात किया जाए कि सेल कैसी है, अगर सेल को कट जाए तो क्या होगा? सपोज आपका हाथ है, हाथ को काट दिया जाए तो हाथ को काटने के बाद कैसा दिखेगा आपको? अगले ही पल आप इस तरह से कुछ दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद से एक मूवी आती है हमारी डेडपूल। तो डेडपूल में अगर मूवी आपने देखा होगा तो देखा होगा आपने कि इसका जो हाथ रहता है वो चॉप ऑफ हो जाता है, काट दिया जाता है। लेकिन अगले ही पल मूवी में क्या दिखाता है, अरे ये क्या हो गया, यहां पर तो उसका हाथ निकल के आ गया, एंड द हैंड इज वेरी स्मॉल, छोटे से बच्चे टाइप का दिख रहा है। यानी कि कुछ यहां पर डिफरेंट चीज है। ये डिफरेंट चीज क्या है आखिर में? ये होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। और यही स्टेम सेल हम लोग देखने वाले हैं आज। हम लोग डेडपूल के हाथ को देखेंगे कि किस तरीके से ये डेडपूल का हाथ बड़ा हो गया है, कटने के बावजूद नया हाथ निकल के आ गया है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे स्टेम सेल में। ये जो स्टेम सेल का टॉपिक है आज का, रिसर्च का टॉपिक बना हुआ है। द मूवी इज नॉट इन हाइपोथेटिकल सीन, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल बनने वाला है। और इसी प्रैक्टिकलिटी को, इसी स्टेम सेल के सहारे आज के जो रिसर्चर्स हैं वो कई सारे डिसीज, कई सारी प्रॉब्लम और इनफैक्ट आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं स्टेम सेल में। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा स्टेम सेल का टॉपिक। स्टेम सेल, व्हाट इज द स्टेम सेल? पहले स्टेम सेल का मतलब होता है, देखिए, नंबर ऑफ चीजें हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं स्टेम सेल। चाहे वो हमारी मसल सेल हो, चाहे वो हमारी फैट सेल हो, चाहे हमारी बॉडी सेल हो, बोन सेल हो, कुछ भी हो, सारी की सारी एक्चुअल में स्टेम सेल ही है। जैसे आप लोग पौधे में देखते होंगे उसमें एक स्टेम निकली होती है, तो उसी तरीके से हमारे पास ये स्टेम सेल होती है। तो स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स। दिस कैन रेंज फ्रॉम मसल सेल टू ब्रेन सेल। तो कुछ भी हो सकती है। इन सम केसेस दे कैन ऑल्सो फिक्स डैमेज टिश्यू। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाथ वगैरह अगर कहीं कट जाता है तो वहां पर क्या होती है, प्लाज्मा वगैरह निकल के कुछ दिनों बाद आपकी हाथ एकदम परफेक्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेम सेल। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए इसमें और देखें अगर, तो स्पेशल ह्यूमन सेल दैट हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू वाइड रेंजिंग टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम मसल सेल टू ब्रेन सेल, दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल। क्लियर? तो ये जो स्टेम सेल है बेसिकली क्या है, चीजों को बनाता है, नई नई चीजों को, हमारे ही बॉडी के चीजों को बनाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि इस स्टेम सेल का टाइप क्या है, कितने तरीके के होते हैं, तो इसके तरीके को जो स्टडी किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। एक किया गया है जहां पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सेल एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब छोटा बच्चा है, पहले वो पैदा होगा, फोएटस होगा, देन एम्ब्रायनिक एज आएगी, एम्ब्रायनिक एज के बाद बच्चे का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद एडल्ट आएगी, और एडल्ट एज के बाद फिर अल्टीमेटली वो एक मैच्योर एज में निकल के आ जाएगा और फाइनली उसकी डेथ वगैरह हो जा रही होती है। चलिए खैर, ये तो हुआ वन टाइप, जहां पर आप लिविंग कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, लाइफ के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। सेकंड थिंग क्या होती है? सेकंड थिंग होती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे स्टेम सेल काम क्या क्या कर सकता है, और उस काम के अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू स्पेशलाइज इट कि किस तरीके से किस टाइप में चला जाएगा।
तो फटाफट शुरू करते हैं हमारा एक एक तरीके से. फर्स्टली वी विल लुक एट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सेल एट डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. लेट अस स्टार्ट दैट. तो यहां पर अगर शुरू करेंगे और देखेंगे ह्यूमन लाइफ में अलग अलग फेजेस में किस तरीके से ये अपना सेल डेवलपमेंट कर रहा है. तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी कि क्या टाइप है. तो थ्री टाइप के यहां पर भी हो जाते हैं. फर्स्ट थिंग इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, सेकेंड सेल ह्यूमन सेल मतलब कि आपके एडल्ट स्टेम सेल में आ जाती है जैसे बच्चे का, फिर एडल्ट एज, एंड देन होती है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, या इसी को बोलते हैं IPSC. इस टर्म को आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा. करंट अफेयर्स अगर लोग पढ़ते ही रहते होंगे आपने न्यूज में सुना होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ खास बात है. देखेंगे क्या चीज है वो. सबसे पहले स्टार्ट करें हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मतलब क्या है तो पहले देख लीजिए दिखता कैसे है. तो ये हुआ जो स्पर्म है, एंड देन दिस इज द फर्टिलाइजेशन थिंग. इस फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर आपका जायगोट बना, एंड जायगोट के बाद फिर क्या हुआ, बॉडी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, यानी कि हमारी ह्यूमन फोएटस डेवलप हो गया है. ये फोएटस अल्टीमेटली अलग अलग चीजों को डेवलप करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंड देन इम्यून सिस्टम. तो ये हमारे चीजों को डेवलप कर रहा होगा, यानी कि दिस इज द बेसिक यूनिट वी कैन से दैट कि हाँ ये प्लूरिपोटेंट या फिर कह सकते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बना रहा है, छोटे बच्चे के ऑर्गन्स को बना रहा है. तो दीज आर द स्टेम सेल दैट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द अर्लीएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो ये अर्लीएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के दौरान में बन रहा होता है. बात करें अगर स्टेम एडल्ट स्टेम सेल की, तो एडल्ट स्टेम सेल के बारे में बात करें तो दीज आर द सेल्स दैट कैन मल्टीप्लाई व्हेन देयर इज अ नीड टू रिपेयर एडल्ट ऑर्गन एंड टिश्यूज. आपका हाथ कट गया, क्या होगा, एडल्ट स्टेम सेल जनरेट होंगे एंड देन दे विल ट्राई टू हील इट आउट. आपकी बॉडी को सही करेंगे, जहां पर भी कट पिट गया है उसको सही कर देंगे. इसके अलावा दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. अब जैसे मान लीजिए लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, लंग्स वाला स्टेम सेल सही करेगा. हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट वाला करेगा. स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, स्किन वाला करेगा. तो इस तरीके से अलग अलग सेल रहेंगे दैट विल बी प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स एंड दे विल ट्राई टू हील इट आउट. ठीक है, आगे देखिए, दे आर मल्टीपोटेंट. अब ये मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट क्या चीज होती है हम लोग अभी आगे के टॉपिक में देखेंगे. तो दैट इज दे कैन गिव राइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ मैच्योर सेल टाइप्स यूजुअली करस्पॉन्डिंग टू द टिश्यूज इन विच दे रिसाइड. अ मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल इज द ब्लड फॉर्मिंग, जैसे हेमोपोटिक हो जाती है. जो हेमोपोटिक स्टेम सेल्स होती हैं, ये बोन मैरो में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स को डेवलप कर रही होती है और ये नई नई चीजों को निकाल रही होती हैं. तो ये हो जाती है हमारी एडल्ट स्टेम सेल, जो कि एक बॉडी के लिए रेगुलर थिंग है, हमेशा ये चीज होती ही रहती है. इसके अलावा सम टिश्यूज स्पेसिफिक स्टेम सेल्स कैन गिव राइज टू वन और टू मैच्योर स्पेशल सेल्स. या जैसे कोई भी एक स्टेम सेल रहेगी वो या तो वही सिंगल सेल बना रही होगी या उस तरीके की मल्टीपल चीजें बना रही होगी. अगर वो सिंगल सेल बनाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिपोटेंट, अगर वो मल्टीपल बना रही होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं बाइपोटेंट. क्लियर, दिस इज जस्ट अ थ्योरी. एक्चुअली यहां पर कोई चीज नहीं है, केवल आपको थ्योरी बेसिकली बताया गया है रेस्पेक्टिवली. तो स्टेम सेल फाउंड इन द स्किन प्रोड्यूस न्यू स्किन सेल्स एंड एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिपोटेंट. स्किन से स्किन बन रही है, यूनिपोटेंट हो गया. लेकिन अगर वही कोई चीज बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पैनक्रियाज हो गई, पैनक्रियाज के साथ साथ आपकी कह लीजिए कि गॉल ब्लैडर भी बन रही होती है, तो ये बन गया आपका बाइपोटेंट. एक ही स्टेम सेल से दो चीज निकल गई. क्लियर हो गया. इसके बाद देखिए आती है, ये देखिए हमारी स्टेम सेल की फोटो दिखाई गई है एडल्ट की, कि हमारा मसल देखिए बना रहा है, हमारी ब्रेन बना रहा है, हमारा हार्ट बना रहा है, हमारी स्किन बना रही है, इंटेस्टाइन बना रही है, एंड देन ब्लड भी बना रहा है. तो ये हो जाती है एडल्ट स्टेम सेल, जो कि एडल्ट बॉडी में आ जाता है. फिर हमारी आती है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. अब ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट क्या है, हमेशा करंट अफेयर्स में आप लोगों ने इसको देखा होगा, कंफ्यूजन भी हुआ होगा. एक्चुअली ये इतना ज्यादा स्टेम सेल, ये वाली इतनी ज्यादा न्यूज में इसलिए रहती है बिकॉज दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, बॉडी से स्टेम सेल को निकाल करके जब लैब में ले आकर के इसको एक बॉडी बनाना शुरू हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि कोई एक ऑर्गन बनाना शुरू हो जाता है, इस वाले स्टेम सेल को हम बोलते हैं IPV या फिर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल. तो दिस इज दीज सेल्स आर नॉट फाउंड इन द बॉडी बट मेड इन द लैब फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी.
The iPSC cells have properties similar to those of embryonic stem cell. तो जो embryonic में होती है उसी तरीके से वहीं से हम निकाल के लाते हैं और चीजों को डेवलप करना शुरू कर देते हैं. Human iPSCs were generated in 2007. तो पहली बार जब किया गया था ये 2007 में लैब वर्क किया गया था. अगर इसके कुछ फोटो को देखा जाए तो देखिए इस तरीके से काम होता है कि यहां पर ये कुछ कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से हम लोग बाहर से एम्ब्रायनिक स्टेम सेल की बॉडी को लेकर के आते हैं एंड देन इस पे मतलब प्रोसेस होना शुरू होता है एंड अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू मेक सम ऑर्गन या जो कुछ भी हमारा बनाना होता है वो बना ले रहे होते हैं. अब आता है हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन एबिलिटी के हिसाब से, यानी कि जो सेल जो स्टेम सेल जैसा काम कर रही है अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इट. अब हम लोग देखेंगे यहां पर अलग अलग तीन तरह की चीजें लाइक यहां पर भी अगेन थ्री टाइप के हो जाते हैं हमारी दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से. पहली हो जाती है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, दूसरी हो जाती है जो हमारी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है और थर्ड वन हो जाती है हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. वन बाय वन करके इसको जरा देख लेते हैं फटाफट. सबसे पहले आती है हमारी टोटिपोटेंट स्टेम सेल, व्हाट इट इज. अब यहां पर देखिए फोटो में आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा सेल बनाया गया है और इस सेल से तीन तरीके से एरो निकले हुए हैं और इस एरो के बाद यहां पर बनाया गया है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल या फिर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दीज स्टेम सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल काइंड ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब कि यहां पर ये सेल किसी भी तरीके के सेल में या ये स्टेम सेल किसी भी तरीके के ऑर्गन को प्रोड्यूस करने में यूज हो जा रहा होता है या फिर कह सकते हैं दिस इज द बेसिक स्टेम सेल. बेसिक सेल है जो आगे किसी भी स्पेशलाइज फंक्शन में जा सकता है. तो दिस इज द मच डाइवर्स, ये सबसे ज्यादा डाइवर्स में कहा जाएगा. क्लियर हो गया टोटिपोटेंट का मतलब क्या है. नेक्स्ट वन आता है प्लूरीपोटेंट का मतलब. अब ये टोटिपोटेंट से देखिए इस टोटिपोटेंट से प्लूरीपोटेंट में चला गया है, यानी यहां पर क्या होगा कि दीज स्टेम सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू एनी टाइप ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी बट एक्सेप्ट those kinds that are required to support and develop a fetus in the worm. यानी कि जब जो हम लोगों ने बात किया था embryonic के time पे, जो हम लोगों ने देखा था बच्चा जब develop हो रहा था, जब body develop हो रही थी, उस समय की जो stem cell थी उसको छोड़ दिया जाए तब ये कोई भी चीज बना सकती है. और जबकि ये वाली क्या कर सकती है? कुछ भी बना सकती है, embryonic भी बना सकती है, इसीलिए लिखा गया embryonic cell. लेकिन आगे ये embryonic नहीं बना सकती है, लेकिन embryonic के बाद की सारी चीजों को ये बना सकती है. यानी इसीलिए इसको बोला गया प्लूरीपोटेंट, दिस कैन मेक एनीथिंग बट नॉट द एम्ब्रायनिक थिंग. क्लियर हो गया? तो ये चीज हो जाती है. तो दिस डज नॉट सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ फोटस इन द वर्म. जो हमारे एम्ब्रायनिक स्टेम सेल होती है एंड आईपीएससीज आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ही एक तरीके की हो रही होती है. अब हमारा नेक्स्ट आता है और नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. मल्टीपोटेंट में क्या हो जाती है, यानी दिस वन ये जितने भी हैं वो हमारे प्लूरीपोटेंट हो जाते हैं. अब इसके बाद आती है मल्टीपोटेंट, यानी कि क्या कर रहा है ये, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम ही कर रहा है. देखिए रेड ब्लू वाले देखेंगे तो केवल स्किन बन रही है या न्यूरॉन्स बन जा रही है, रेड वाले देखेंगे तो या तो केवल हार्ट मसल बन रही है या आरबीसीज बन जा रही है, येलो वाले देखेंगे तो या तो केवल लंग्स बन रही है या फिर केवल और केवल पैनक्रियाज बन रही है. यानी देयर इज समथिंग स्पेशल इन दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल. होता क्या है कि दीज कैन गिव राइज टू ओनली अ फ्यू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल्स. मतलब कि जो हमारा एरिया है वो धीरे 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 नैरो होते जा रहा है. दीज आर नाउ मोर स्पेशलाइज्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड वर्क. तो एक ही काम के लिए ये लोग काम कर रही होती है. कुछ क्लैरिटी आई क्या चीज है? तो ये हो जाता है हमारा पूरा सीन. नाउ लेट अस लुक कि आखिर में ये स्टेम सेल का मेडिकल फील्ड में यूज क्या है. तो देखिए देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच इज देयर इन द मेडिकल फील्ड टू बी रिसर्च्ड. तो हमें रिसर्च करने की जरूरत है. द ओनली स्टेम सेल करंटली प्रोड्यूस टू ट्रीट डिसीज आर हेमोपेटिक. तो हम लोग अभी फिलहाल ब्लड डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड चीजों को ही फिलहाल हम लोग स्टेम सेल से सही कर पा रहे हैं. दीज आर द ब्लड सेल्स फॉर्मिंग एडल्ट स्टेम सेल फाउंड इन द बोन मैरो. अगर करंट अफेयर्स आपने देखा होगा तो करंट अफेयर्स में कॉर्ड ब्लड बैंक बेसिकली ये आजकल करंट अफेयर्स में रही है. तो इसको आप लोग अब रिलेट कर सकते हैं स्टेम सेल से, क्योंकि यहां पर इसी ब्लड के सहारे, इसी हेमोपेटिक सेल के सहारे स्टेम सेल को निकाल करके फिर एक बॉडी को बनाने की बात कही जा रही है. बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में बात कही जा रही है. नाउ लेट अस लुक कि आखिर में गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है. तो चलिए देखते हैं जरा.
तो देयर इज नो लॉ टू रेगुलेट द यूज ऑफ स्टेम सेल्स इन इंडिया एट प्रेजेंट. अभी कोई लॉ नहीं है, अभी क्या है समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है. ICMR has issued guideline that recognized stem cell therapy only for certain treatment and observed that other type of treatments are unproven and should be offered as therapy. Actually, है क्या? This stem cell की जो भी research है या जो भी development है वो कई बार कहा जाता है is unethical. क्यों? Because you are going against the nature. नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं आप एक बॉडी को खुद डेवलप करना शुरू कर दिए हैं. तो इस वजह से कहा जाता है दिस इज अनएथिकल एंड दिस कैन बी यूज्ड इन रॉन्ग डूइंग्स आल्सो. गलत कामों में भी यूज किया जा सकता है. तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या है कि अभी थोड़ा सा सोच समझ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट अगेन यहां पर गवर्नमेंट ने GST में स्टेम सेल के प्रिजर्वेशन के लिए एग्जेम्प्ट कर रखा है, वो भी इंटेंशनली. यानी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट बट गवर्नमेंट नीड टू मेक सम न्यू लॉज. इसके लिए लॉ बनाने की जरूरत है क्योंकि ये जो अनएथिकल और रॉन्ग डूइंग वाली चीज है उसको सही करने की जरूरत है. अदरवाइज बाकी सब चीजें सारी सही है. नाउ लेट अस कमिंग टू द क्वेश्चन. पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों ने समझ गए होंगे और अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी ही गई है, वहां से आप अपने डाउट को रेज कर सकते हैं. इसके अलावा लेट अस स्टार्ट सम प्रैक्टिसिंग सब क्वेश्चन और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो UPSC में आए हुए हैं. तो UPSC में ये हमारा क्वेश्चन आया है जो प्रीलिम्स में आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ करके अपने जवाब मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज ऑन 200 वर्ड्स. इसको लिख करके अगेन आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं. चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.